मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप लोग इंस्टाग्राम अकाउंट में अपना यूजर नेम को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग पहले पहले अकाउंट बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो आप लोगों को क्या होता है कि यूजर नेम चूज करने में बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप अपने मनपसंद यूजर नेम को चूज नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण से आप किसी भी दोस्त या फ्रेंड को यूजर नेम बताने में आपको दिक्कत आती है और अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होता है कि मेरा यूजर नेम तो अच्छा है ही नहीं। तो बस आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको एक प्रोफेशनल यूजर नेम मैं आपको अभी चूज करके दिखाऊंगा, जो कि आप अभी चूज करना सीख सकते हैं यूजर नेम। और अभी मैं आपको यूजर नेम चेंज करके अपने स्मार्टफोन में दिखाने वाला इस इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में। तो सिंपली आपको इंस्टाग्राम एप्लीकेशन में आ जाना है। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा और इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप वहां पे जाकर हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने प्रोफाइल वाले आइकन में आ जाना है और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एडिट प्रोफाइल का, तो सिंपली इस पर आपको टैप करना है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में आता है आपका नेम, आप यहाँ से अपना नेम को चूज कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। दूसरा आता है यूजर नेम, और यहाँ पे ऊपर में आप अपना प्रोफाइल पिक्चर को लगा सकते हैं। सिंपली मैं आपको यहाँ पे यूजर नेम अभी चूज करके दिखाता हूँ, जो कि मेरा अकाउंट बना हुआ है नवीन चौधरी के नाम से और मेरा यूजर नेम है वाईफाई दोस्त। मैं यहाँ पे सिंपली नवीन चौधरी देता हूँ, देखिए अभी क्या प्रॉब्लम आएगा। और यहाँ पे मैंने लिखा नवीन, और यहाँ पे मैंने लिया, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा नवीन चौधरी, यहाँ पे दिखा रहा यूजर नेम नोट अवेलेबल। तो अब आपको क्या करना, इसके बीच में आपको कोई भी एक कैरेक्टर को ऐड कर देना है। जी हाँ, फिर भी दिखा रहा है कि यूजर नेम नो मतलब नोट अवेलेबल, तो फिर आपको क्या करना है, एक और यहाँ पे टैप कर देना है। फिर भी दिखा रहा आपको नोट अवेलेबल, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे चौधरी के जगह पे मैं यहाँ पे दूसरा कुछ लिख देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे अपना कुमार लगा देता हूँ, नवीन कुमार। तो यहाँ पे फिर भी दिखा रहा, देखिए नोट अवेलेबल। तो अब आपको करना क्या, फिर यहाँ पे मैं बीच में एक और लगा देता हूँ। इसका मतलब यह है कि इस यूजर नेम को किसी ने यूज कर लिया है, जिसके कारण से मुझे यह यूजर नेम नहीं मिल रहा है। तो सिंपली आपको इस वाले पे टैप करना है, जो कि फिर भी मेरा यूजर नेम नहीं दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको स्पेशल कोई करेक्टर को ऐड कर देना, जो कि आपको एक प्रोफेशनल लगे देखने में। जैसा कि आप, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे वो अपना लिखा था वाईफाई दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो वाईफाई DOST, तो वाईफाई दोस्त बता रहा था, जो कि यहाँ बता रहा मेरा यूजर नेम नोट अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे क्या किया कि इस वाईफाई दोस्त के बीच में मैंने एक यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया, जो कि यहाँ पे मेरा बता रहा है कि इस यूजर नेम पूरा परफेक्ट है, आप लगा सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि कौन सा यूजर नेम अवेलेबल है आपके लिए। तो इस तरह से आपको मतलब चेक करना है। सिंपली आपको ऊपर एक सही का निशान मिलेगा, इस पर आपको टैप कर देना है। तो आपका ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका यूजर नेम आ चुका। अब आप अगर इंस्टाग्राम अकाउंट में यूजर नेम सिंपली सर्च करते हैं, तो आपका यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे अपना यूजर नेम सर्च करते हैं, तो आपको सबसे ऊपर में दिख जाएगा और किसी भी दोस्त को आपको बताने में अच्छा होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यूजर नेम मेरे प्रोफाइल ऊपर में आ गया। तो आप लोग भी इस तरह से बहुत आसान तरीके से यूजर नेम को चेंज कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसी तरह अच्छे वीडियो पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं पहली बार विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।